हेलो एवरीवन, मैं अर्चना सिंह बढ़ाना स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल मनी बुल रिव्यू में। आज जो प्रोडक्ट हम रिव्यू करने वाले हैं वो है रियलमी नार्जो 30। से पहले शुरू करें, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए तो शुरू करते हैं। रियलमी नार्जो 30 प्रो दो वर्जन्स के साथ मार्केट में आया है, 4G एंड 5G। पहले हम आज 5G की बात करते हैं। तो रियलमी नार्जो 5G में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलने वाला है, दैट इज 6GB रैम, 128GB रोम, एक्सपेंडेबल अप टू 1TB। हम इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी इसकी 5000mAh के साथ आपको मिलने वाली है। सपोर्ट में 18W का आपको चार्जर मिलने वाला है। 18W की चार्जर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग वो एक फास्ट चार्जर नहीं है। रियलमी अपने आप ही अपनी ये ब्रांड जो उनकी है वो एक फास्ट चार्जिंग चार्जर्स के लिए जाना जाता है, बट 18W चार्जर 5GB फोन के साथ रियलमी ही जाने ये क्यों है? क्योंकि 4G वर्जन की अगर हम बात करें इसकी तो उसमें भी हमें 30W का चार्जर मिलने वाला है। Of camera, it is equipped with a triple camera setup consisting of a 48-megapixel primary lens, 2-megapixel portrait lens, and a 2-megapixel macro shooter. For selfie, you will get 16-megapixel selfie camera on the left side of the screen. The rear panel is made out of polycarbonate and feature a glossy texture. The back panel has a running pattern strip with a simple Realme branding. Realme Narzo 30 5G is a sleek, good-looking 5G smartphone. The device is pretty lightweight too, that is 185 gram. In Narzo 30 5G, you will get 6.5-inch IPS LCD panel with full HD plus resolution and 19Hz refresh rate. In this phone, you will get the power button on the right side of device. This button also works as a fingerprint sensor. Whereas on the left side you will get the volume button and the SIM tray. Bottom of the device features a single speaker, a USB-C charging port and a 3.5mm audio jack. The phone comes in two colors, racing blue and racing silver. अगर आप देखें तो दोनों ही कलर फोन को एक दमदार लुक दे रहे हैं। Realme Narzo 30 5G is powered by the MediaTek Dimensity 700 SoC that is based on the 7nm process. For graphics, the Dimensity 700 chipset comes with the Mali G5T GPU. अगर बात करें DRE फीचर की तो इसमें आपको DRE फीचर मिलने वाला है जिससे आप इंटरनल स्टोरेज को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्चुअल रैम में। आप इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हैं तो जी हाँ, आप ये स्मार्टफोन ले सकते हैं क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये एक चीपेस्ट 5G फ़ोन है जिसमें आपको 6GB रैम और 7 5G बैंड्स मिलने वाले हैं। मुझे इस स्मार्टफोन में सिर्फ दो ड्रॉबैक नज़र आए, पहला 18W चार्जर और दूसरा इसमें डुअल स्पीकर का ना होना। बात करें हम इस फ़ोन के प्राइस की तो MRP इसका 15,999 है, पर अगर आप इसको इसकी पहली सेल में ग्रैब करते हैं तो ये आपको मिलने वाला है 15,499। जी हाँ, 500 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप इसको इसकी फर्स्ट सेल में परचेज करते हैं। और जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट इट, याद रखिएगा, एंड कीप शेयरिंग से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।